हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग्स। इट्स अ न्यू डे, न्यू व्लॉग, और मैं रेडी हो चुकी हूँ एज यू कैन सी। और ऑफ कोर्स जिनको नहीं पता है, जिन्होंने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा, उनको मैं बता दूँ, मेरा आज नाइट शूट है, तो मैं आज 5 o'clock की शिफ्ट है, तो शाम के 5 बजे से लेके नेक्स्ट डे के 5 o'clock तक जो 12 घंटे होते हैं उसको नाइट शिफ्ट कहा जाता है। तो मेरी आज नाइट शिफ्ट है, और मैं एक पॉकेट FM करके है जो YouTube पे आता है, उसके लिए शूट कर रही हूँ। और मुझे बस निकलना है, मुझे एक्चुअली डिशेस भी वॉश करनी थी लेकिन नहीं हो पाएंगी, घर बहुत बहुत ही ख़राब हो रखा है, मतलब मैं तो रह भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा हो रखा है। बट स्टिल मेरा घर है, मुझे रहना पड़ेगा। और मैं अब शायद कल मैं घर की सफाई करूँगी, आकर तो मैं सोऊंगी वैसे, उसके बाद उठने के बाद मैं घर की सफाई, देन क्लोथ सब वॉश वूश करना है, बहुत काम है कल वैसे तो। पर मैं आज का बता दूँ, बैग तैयार है, ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस निकलना है, ओला बुक करके बस मैं निकल रही हूँ। तो मैं जस्ट व्लॉग की ओपनिंग करने के लिए यहाँ आई थी। यू विल बी लाइक कि कल तो बोल रही थी कि ऑटोज आर बेस्ट, और आज ओला से जा रही है। सो क्यों जा रही हूँ मैं ओला से, मैं ये भी बता दूँ, बिकॉज गाइज मुझे आज वैसे ही जाना है नए गाँव। सो मुझे आज वहाँ जाना है, तो इसलिए वो काफ़ी दूर है, इट्स आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, तो इसलिए कैब, बिकॉज बाहर तो बहुत करकराती हुई धूप और गर्मी है, एंड आई मिस देहरादून राइट नाउ। वैसे हाँ, देहरादून में रह के मुझे मुंबई की याद आई थी बिकॉज ऑफ दी ठंड, और यहाँ गर्मी देख के मुझे देहरादून की याद आ रही है। बट ठीक है, वी हैव टू वर्क, सो वी हैव टू एडजस्ट टू। तो ठीक है, मैं जाती हूँ, कैब मैंने बुला ली है, सो आई विल सी यू लेटर गाइज। दैट्स व्हाई आई हेट ओला उबर। अभी पहली बारी मैंने ऊबर कैंसिल की बिकॉज वो 23 मिनट्स दिखा रहा था, एक्सेप्ट भी कर लिया था, फिर मैंने उसे कैंसिल किया। फिर मैंने ओला बुक की, ओला वाला 10 मिनट्स दिखा रहा, फिर मुझे मैंने उससे कन्फर्म किया कि भैया आप आ रहे हैं ना, यू वॉज लाइक कि हाँ मैडम, फिर उसके बाद काट दिया। उसके बाद फिर मेरे को कॉल बैक करते हैं और बोलते हैं कि मैम बट मेरे इसमें तो पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा बीच में। Finally reached. It took me 2 hours of traveling from Mumbai to this Vasai. I'm so dead, guys. I'm so dead. Traveling makes me so bored and so tired. वो मुझे आज realize हुआ है. Bingo. Let's shoot. मैंने एक और चीज़ नोटिस की, देहरादून आने के बाद मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही गाइस, और आज मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रही थी, और मुझे रीज़न पता चल गया कि मैं क्यों इरिटेटेड फील कर रही थी, बिकॉज गर्मी। देहरादून में इतनी ठंड थी, यहाँ इतनी गर्मी है, सो रेजिस्ट नहीं कर हो पा रही है गर्मी। इन शॉर्ट वेदर अच्छा है लेकिन मेरे साथ इशू है थोड़ा, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड, यहाँ इतनी गर्मी, सो मेरा इशू है। सो हेयर डन, और मेकअप अभी चल रहा है। इट्स मंचिंग टाइम। वैसे भी मुझे मेरी माँ ने कहा है कि मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए हर दिन, आई डोंट नो व्हाई। वो तो मेरी मम्मी लिख के कमेंट करके बताएगी कि ऐसा क्यों बोला था। आई थिंक जब गांव से वापस आ जाएगी तभी बता पाएगी, बिकॉज गांव में नेटवर्क नहीं है, जब मैं गई थी तब भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं थी। ब्राइड बनाने की पूरी प्रिपरेशन की जा रही है गाइस। विजिबल नहीं है, हो गया है आधा ही देखो तो चलेगा, गलत हुआ तो वीडियो में नहीं आना चाहिए। Daddy, 45 minutes.
आई थिंक इट्स वेरी अभी भी ऑल बच्चा ऑल से सारे काम सॉल्व हो जाते हैं बुला के ले आ सी राम राम कुछ से मिले इवन साइन दिस वन आल्सो एक हाथ में होता कभी कभी यहाँ का वहाँ करना पड़ता है टोपी पहनाना पड़ता है आगे फैल ये आगे क्या टूटा नहीं 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 दिखा अच्छा लग रहा है ऐसे हाथ करते हैं या इट्स लुकिंग नाइस सो नाउ इन इन दिस हैंड या नो 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 डोंट 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 इजीली नहीं कुछ होगा नहीं होएगा काटते मैं फिर ये खड्डे चालू करके नहीं निकले या ठीक है नहीं ये ऑलरेडी मेरे ऑलरेडी दूसरे शूट से छिल गया इल्जाम नहीं लगा सो ये बनाया मैंने तब चक्कर दुकान एक ही है और साइज एक ही है बातों का ऐसा होता है राइट लेफ्ट अरे तुम्हारे एक ही हाथ देखे थे दोनों हाथ देखे चाहिए थे बोलता भैया एक आठ का दो और एक एक दो छह का दो इसमें तो लटकने वाला कुछ ऐसा है सो सीरम वगैरह कुछ है नहीं ये तो लेंस का लोशन है या सीरम है क्या उसको पूछ जरा ये तो सीरम ही है ना नहीं ये परफ्यूम है अजी आपका बैग है क्या हाँ ओह फक क्या हुआ निशान पड़ गए इससे ट्राई किया तुमने अभी हाँ ये देखो ना प्लास्टिक बैग उसको छोड़ देते मार्जिन ले रहे हैं ये पैंट नहीं है पिजामा नहीं है जो चढ़ जाएगा आप ऐसी पहले से फनी से है डिपेंड करता है हमारे साथ एक्टर्स कैसे कुछ जाएगा ऐसी टाइप है निकलिए कैसे मुझे बहुत डाउट है हाथ काट देंगे और विश की जल्दी सीन लग जाए मैं तभी दुल्हनों का वो सोच रही हूँ दर्द जैसे दुल्हन पूरी रात रहती है ना हाँ यार मतलब मेरा सर तो ऐसे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो गया है
हाँ मुझे लगा था ये जो प्लेन है ये सर पे आएगा तो इजी होगा, बॉर्डर वाला बाप रे है। सही है, अभी तुमने निकाल गया ना लोअर, यहाँ से ना सीधा सीधा दिख रहा था, मुझे समझ नहीं रहा था कि यहाँ पे क्यों ऐसा लग रहा है। मैंने कहा यहाँ से मुझे दिख गया, बोला भी नहीं मुझे, दिख गया ना ब्लू ब्लू। मैंने कहा ओ रुक जा एक सेकंड बेटा, मैं कोई पिक्चर ले लेती हूँ। लुक इनटू द कैमरा, हाँ नो लुक कर रही हूँ। कभी कभी ना कुछ चीजें बिना उसके सुंदर लगती हैं। I think this is looking better. ये करते हैं। बहुत लाल लाल लाल। ये थोड़ा ज़्यादा better भी लग रहा है। हाँ, face भी उसका अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये ठीक कर लेना बाद में। वो ना ऐसा होता है ना कि आप कुछ चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी हैं ना too much लगने लगती हैं। अच्छा ये भी पहनना, ये लगाना, ये लगाना, सब नहीं use करना चाहिए। कुछ चीज़ छोड़ देनी चाहिए। खाइश मेरा तो सर ही दर्द कर गया यार। ये जो औरतें शादी करती हैं वो इतना तामझाम लेके पूरी रात भर कैसे बैठ जाती हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरा बस चला कि मेरी शादी होए ना तो मैं तो जीन्स पैंट में ही शादी कर लूँ यार। ये है रियलिटी। वैसे अगर मेरे पापा होते तो मैं उनको ये बोलती ना कि मैं जीन्स पैंट में शादी करने के लिए तैयार हूँ तो वो तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। बोलते मेरा और खर्चा बच गया। बिकॉज जब भी ज्वेलरी शॉपिंग की बात आती थी लाइक डायमंड गोल्ड प्लैटिनम कुछ भी खरीदने की, सो मैं बोलती थी मुझे शौक नहीं है, मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है। तो ही ऑलवेज लाइक कि अरे चलो खर्चा बच गया। ये हॉन्टेड प्लेस तो नहीं है ना, लग नहीं थी वैसे। लोग रहते हैं? नहीं यार लोग रह रहे हैं, देख पीछे यार। मैम है गाइस, तुम लोग डेंजर में हो आज। एक तो मैं, मुझे लग रहा है रात को मैं बहुत ऐसे हॉरिफाइंग जैसी लग रही हूँ। देखना लाइट आएगी जब यार हम और डेंस होते हैं। यार नहीं बैक में है फ्लैश। लाइट चालू करो ना। डर लग रहा है, मुझे लगता है। नहीं चलता। आगे लो, आगे लो, उसको जाओ घुमा लो। ये देखना सिर्फ यही दिख रहा है, शिवम दिख रहा है। चालू करो ना सॉन्ग। ये सॉन्ग का क्या? सॉन्ग का क्या भैया? भैया? ये भैया? इतने 3:30 बज रहे हैं ना अभी? ये बहुत लगे।
ये लग रही है चल मैं करके दिखो दिखो लाइट रोशनी का है आंखों पे मारते हैं ये जंगल है क्या बाजू में इंस्टा पे डालना ना नहीं ये तो मेरे ब्लॉग में जाएगा गाइस लेकिन ये क्या फनी कर सकते हो कॉमेडी यार चलो चल के चलते हुए डराते हैं कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग Guys, it's 10 o'clock. घर पहुँच रही हूँ एंड what just happened? आप देखिए आप मेरी हालत देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं आपको अपनी घर की हालत दिखाती हूँ Fuck, I just fucked it. Ouch! It's 11 o'clock and I'm still wiping my house. Guys, थोड़ा तो better हुआ है पूरा वन बकेट मैंने स्क्वीज कर करके निकाला है इस मॉप से अभी थोड़ा बेटर है ओ गॉड बिकॉज ऑफ दैट पॉली बैग नो गाइस मेरा सामान मेरे कपड़े मेरी फ्रेंड के कपड़े बच गए अदरवाइज सब गीले होने थे बहुत बुरी हालत हो रखी है और बाय गाइस आई मीन मैंने अभी तक मेकअप भी नहीं निकाला इट्स 11 ओ क्लॉक मैं कल 3 बजे से बाहर हूँ और सोई नहीं हूँ घर में ये हो गया हाथ में चोट लग गई है बिकॉज गिरने वाला एक सीक्वेंस था तो रोड पे गिरना था तो हाथ ऐसे पूरा यू नो लग गया ये छोटी छोटी बातें बट ये जो घर का हुआ है ना मेरा मन था कि मैं आके सो जाऊँ इवन गाइस इतना दूर था कि मैं ऑटो में सोते हुए आ रही थी जस्ट इमेजिन और फिर मेरे को मेरे ओनर का कॉल आ गया कि घर में ऐसा ऐसा हो गया उसके पास एक स्पेयर कीज है तो वो खोल के अंदर आया उसने देखा कि अंदर का टैप खुला हुआ था तो टैप खुला हुआ था बिकॉज कल मैं जल्दी में थी और बर्तन पड़े हुए थे और इस बिल्डिंग में एक्चुअली पानी का इशू है अब मैं अब हर चीज़ आपको बता रही हूँ तो यही बताती हूँ इस बिल्डिंग में पानी का इशू है
और उसकी वजह से मैं काफ़ी मेंटली वो चलती हूँ, आई मीन डिस्टर्ब, क्योंकि टैंक भरने होते हैं और बिना पानी के मैं नहीं रह सकती ऑफकोर्स. सो ये सब चीज़ें और ये सब हो गया. अभी मैं बस सोच रही हूँ कि मैं कब शार लूँगी, कब ये थोड़ा ठीक होगा. अभी थोड़ा बेटर हुआ है बट गाइस फाइनली लाइक सारा काम हो गया है. सोफ़ा इधर शिफ्ट कर रखा है जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे बहुत गीला हो रखा है, वहाँ बहुत सारा पानी जमा हो रखा था. एक्चुअली आई थिंक इनका फ़र्श का यू नो अलाइनमेंट भी सही नहीं है, कुछ पानी उधर जाना कुछ बनता ही नहीं है. तो हाँ मैं क्या कहूँ, वैसे आई एम फेड अप विद दिस एवरीथिंग नाउ. और आई हैव ऑर्डर्ड माई ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, वट एवर इट इज़ फ्रॉम नथिंग बट चिकन रैप मंगाया है, खाऊँगी, सो जाऊँगी क्योंकि कल से नहीं सोई हूँ और अभी डल होती जा रही हूँ और खूब सारा पानी पीना चाहती हूँ. बॉटल भर के ला रखी हूँ, पानी पीऊँगी, खाऊँगी, सो जाऊँगी, फिर जब उठूँगी देन आपसे बात करूँगी. लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज ये ब्लॉग आज का तो पता नहीं कब एडिट होगा और कब आप लोग इसे देखेंगे. सो गाइज Till then, please keep supporting, keep loving, do subscribe to my channel, like it, share it and do not forget to comment it because until unless आप comment नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको पसंद आ रहे हैं vlogs, नहीं आ रहे हैं. Views तो कम हुए हैं but it's okay. मैं यही कहूँगी, please guys keep loving, keep supporting and please keep sharing and I love you a lot. बहुत pain किया है इसने.